प्राचीन काल से आधुनिक प्रवचनों तक यही सुनने को मिलता है कि मानव का शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। पर प्राचीन काल से चार्वाक जैसे दार्शनिक और वैज्ञानिक ये कहते आ रहे हैं कि तत्व पांच नहीं है, चार है। इन लोगों ने आकाश को स्वतंत्र तत्व के रूप में स्वीकार नहीं किया। पांच तत्व मानने वाले कहते हैं कि इन पांच तत्वों से जब शरीर बनता है तब आत्मा बाहर से आकर इसमें डेरा डाल लेती है, जबकि चार तत्व मानने वाले चार्वाक का कथन है कि इन चारों तत्वों के रूप में परस्पर मेल से ही चैतन्य या चेतना की उत्पत्ति होती है। आत्मा कहीं बाहर से आकर शरीर में प्रविष्ट नहीं होती। शरीर में आत्मा के बाहर से आकर प्रविष्ट होने को झूठ सिद्ध करने के लिए और चार तत्वों से ही आत्मा के उत्पन्न होने की बात को प्रमाणित करने के लिए प्राचीन काल से ही इन लोगों ने अनेक तथ्य प्रयोगों द्वारा एकत्रित करने के प्रयास किए। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि पायसी नामक राजपुरुष ने अनेक प्रयोग किए और पाया कि मृत्यु के समय कोई चीज शरीर से निकलकर नहीं जाती। दिग्ग निकाय में पायसी कुमार कश्यप से कहता है, तुम कहते हो कि बुरे भले कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद नर्क या स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पर मेरे कई रिश्तेदार हैं जो चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, व्यभिचार करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मरने के बाद तुम लोग जिस घोर नर्क में जाओगे वहाँ से मेरे पास दूत भेजना, किंतु वहाँ से अभी तक कोई दूत मेरे पास नहीं आया, अतः नर्क भी नहीं है। इस प्रकार जो सत्यवासी थे और चोरी, हिंसा और व्यभिचार नहीं करते थे उनसे भी मैं कहता रहता था कि स्वर्ग में जाकर वहाँ से संदेश भेजना, पर वहाँ से भी कोई दूत मेरे पास नहीं आया, इसलिए स्वर्ग भी नहीं है। जब ना नर्क है ना स्वर्ग है तब वहाँ जाने वाली कही जाती आत्मा भी नहीं है, इसलिए चार्वाक भी कहते हैं नात्मा पारलौकिका। दिग्ग निकाय से पता चलता है कि पायसी ने चूहों, बंदरों, सुअरों, मेढकों आदि पर अनेक प्रयोग किए। वो फांसी की सजा पाए हुए चोर, डाकू और अपराधियों को राया से ले लेता था। उन्हें वो एक बड़े से बर्तन में बंद कर देता, ऊपर से ढक्कन चढ़ाकर मिट्टी का लेप लगा देता। बर्तन के भीतर बंद प्राणी जब मर जाते तो वो ढक्कन खोलकर देखता, पर उसे उस बर्तन से बाहर निकलती हुई कोई भी आत्मा दिखाई नहीं दी। उसने मृत्यु दंड की सजा पाए अपराधियों को मृत्यु से पहले और बाद में तौलकर भी देखा, पर दह से जीवात्मा के चले जाने से मृत्यु के बाद सबका भार कम नहीं हुआ। इसी तरह उसने खूनी गुनहगारों की बूटी बूटी छान कर देखी, पर उसे आत्मा कहीं नहीं मिली। ये सारे प्रयोग के पायसी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि शरीर में कोई आत्मा बाहर से प्रवेश नहीं करती, बल्कि उन्हीं चीज़ों के मेल से उत्पन्न होती है जिनसे शरीर बनता है। आज हम जानते हैं चेतना उन्हीं चीज़ों से उत्पन्न होती है जिनसे शरीर बना है, यद्यपि शरीर चार तत्वों से नहीं बना है। आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है और चार्वाक उसके अनुसार आज नए तत्वों की बात करते हैं, पर धर्म ग्रंथ और धर्म गुरु पांच तत्वों की ही रट लगाए बैठे हैं। शरीर को बनाने वाले जिन पांच तत्वों की बात धर्म करता है वे तत्व तो है ही नहीं, उनमें से एक भी तत्व नहीं है, सब यौगिक या मिश्रण है। तत्व वह होता है जिसमें से एक तरह के परमाणु होते हैं, जिसे सरलतम पदार्थ के रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। इन कथित तत्वों में पहला पृथ्वी बताया जाता है। पृथ्वी अपने आप में कोई तत्व नहीं है, क्योंकि ये तो खुद 100 से ज़्यादा तत्वों से बनी हुई है। उनमें से ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और अन्य तत्व भी हैं। ऐसी पृथ्वी को तत्व कहना सरासर गलत है। आज 118 से ऊपर तत्व खोजे जा चुके हैं, उनमें पृथ्वी का कहीं नामोनिशान तक नहीं है। जल क्या है? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ये तरल रूप में भी होता है, ठोस, बर्फ के रूप में भी और भाष्प के रूप में भी। ये यौगिक है, ना कि तत्व। वायु क्या है? ये कई गैसों के मिश्रण का नाम है, जिसे शुद्ध वायु कहते हैं। वो क्या है? वो है 79% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन का मिश्रण। इसमें बहुत थोड़ी सी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ जल भाष्प होते हैं, जिनका प्रतिशत बदलता रहता है। जब हम सांस लेते हैं तो जितनी नाइट्रोजन अंदर जाती है उतनी ही बाहर आ जाती है, पर ऑक्सीजन यदि 20% अंदर जाती है तो सिर्फ 16% ही बाहर आती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड यदि 0.04% अंदर जाती है तो 4.15% बनकर बाहर आती है। यही हाल जल वाष्प का है, वो भी चाहे कम अंदर जाए बाहर आते समय बढ़ जाता है। यदि जल यौगिक है तो वायु मिश्रण है, फिर इसे कौन बुद्धिमान तत्व कह सकता है? ज्वलन एक प्रक्रिया है, ये घटित हो रही घटना है जिसमें पदार्थ हवा में मिलने वाली ऑक्सीजन से रासायनिक तौर पर मिलते हैं और प्रकाश और गर्मी छोड़ते हैं।
स्पष्ट है, अग्नि कोई पदार्थ न होकर एक ऐसी क्रिया है या ऐसी प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन के बिना अस्तित्व में नहीं आ सकती। इसे कोई भी बुद्धिमान तत्व नहीं कह सकता। आकाश को तत्व सिद्ध करने के लिए तरह तरह के हाथ पैर मारे गए। यद्यपि चार्वाक दर्शन जैसे वैज्ञानिक इसे सदियों पहले ही नकार चुके हैं। फिर ईथर नामक द्रव्य की कल्पना की गई, परंतु माइकेलसन और मार्ली नामक वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोगों से 1887 में सिद्ध कर दिया कि ईथर नामक पदार्थ पूरी तरह से कपोल कल्पित है और यथार्थ में उसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। न्यूटन ने कभी आकाश के ढांचे को द्रव्य से स्वतंत्र माना था, पर आइंस्टाइन के आपेक्षिकता के सिद्धांत ने यह सिद्ध कर दिया कि न्यूटन की बात सही नहीं थी, क्योंकि आकाश का ढांचा उसमें मौजूद द्रव्यमान से निर्धारित होता है। यदि वस्तुएं गायब हो जाएं, तो ना कहीं आकाश का पता चलेगा ना काल का। जो आकाश स्वयं वस्तुओं के अस्तित्व पर आश्रित है, वो वस्तुओं को बनाने वाली सामग्री कैसे बन सकता है? इस तरह हम देखते हैं कि धर्म और परंपरा द्वारा बताए गए 5 तत्व वास्तव में तत्व नहीं है, वे मिश्रण हैं, यौगिक हैं, प्रक्रिया मात्र हैं। इनसे ना तो शरीर बनता है और ना ही मरने के बाद इनमें वो प्रविष्ट होता है। आज विज्ञान ने 118 से ऊपर तत्वों को खोज निकाला, वो शरीर और विश्व के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है। मनुष्य के शरीर में 100 खरब कोशिकाएं होती हैं। हर कोशिका के ऊपर एक झिल्ली होती है। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न तरह की कोशिकाएं होती हैं। मांसपेशियों की कोशिकाएं समतल होती हैं, क्योंकि इन्हें शरीर की सतह को ढकना होता है। कुछ कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, कुछ अंडाकार और कुछ बेलनाकार। हर कोशिका के अंदर कोशिका द्रव या जीव द्रव होता है, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इसी पदार्थ द्वारा भोजन और ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। प्रोटोप्लाज्म में राइबोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया आदि भी होते हैं, जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं को पूरा करते हैं। आधुनिक विज्ञान ने प्रोटोप्लाज्म का विश्लेषण करके पाया कि इसमें 55% कार्बन, 23% ऑक्सीजन, 14% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन और 1% गंधक, पोटेशियम, सोडियम आदि होते हैं। यही जीव द्रव है, जीवन है। अब वैज्ञानिकों ने कृत्रिम जीवन को निर्माण कर लिया है। 2010 में अमेरिका के जीनोम वैज्ञानिक क्रेग वेंटन की टीम ने रसायनों को जीवित कोशिकाओं के रूप में परिवर्तन करके कृत्रिम जीवन पैदा कर दिया। प्रयोगशाला के सुरक्षित वातावरण में बैक्टीरिया की जेनेटिक प्रोग्रामिंग कर उसे एक कोशिका में डाल दिया। इससे बने जीवाणु का आकार और व्यवहार ठीक वैसा था जैसा वैज्ञानिक चाहते थे। कोशिका को पूरी तरह कृत्रिम क्रोमोसोम से तैयार किया गया था, अर्थात ये क्रोमोसोम रसायनों के रासायनिक संश्लेषण से बनाए गए थे। जीवन के कृत्रिम निर्माण के समाचार से यदि सबसे ज्यादा कोई भड़का तो वो थे धर्म के धंधेबाज, क्योंकि इससे परमात्मा पर पहुंचा फिरता है। अतः ये इसे कुदरत से खिलवाड़ बताकर अपनी झेप मिटा रहे थे। वास्तविकता ये है कि परमात्मा पर लगे इस पहुंचे से मानव का प्रगति पर नियंत्रण पहले ही की अपेक्षा ज्यादा हो गया। ये प्रगति से खिलवाड़ नहीं, उसे अनुशासित करने और उस पर मानवीय नियंत्रण बनाने की दिशा में एक दृढ़ कदम है। धर्मग्रंथ विज्ञान के बढ़ते कदमों पर सदा विरोध ही किया करते हैं, क्योंकि विज्ञान का प्रत्येक कदम उन्हें सीसा दिखा जाता है और उन्हें बता जाता है कि उनके धर्मशास्त्रीय वर्णन और आदेश पुराने पड़ चुके हैं। आज वैज्ञानिकों ने मानव शरीर का पूरी तरह विश्लेषण कर लिया है और उसमें उन्हें जो मिला है वो है 44 ग्राम ऑक्सीजन, 12 ग्राम कार्बन, 6 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम नाइट्रोजन, 1 ग्राम कैल्शियम, 680 ग्राम फास्फोरस, 204 ग्राम सोडियम, 204 ग्राम क्लोरीन, 170 ग्राम गंधक, 34 ग्राम मैग्नीशियम, 2 ग्राम लोहा और 337 ग्राम दूसरे खनिज पदार्थ। शरीर के लिए आवश्यक कार्बोहाइड्रेट, चीनी, वसा आदि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन को हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन आदि मिलकर बनाते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों के निर्माण में काम आते हैं। लोहा रक्त का मुख्य अंग है। सोडियम और क्लोरीन नमक के रूप में शरीर में रहते हैं। इस प्रकार ये तत्व एक दूसरे से मिलकर अनेक यौगिक बनाते हैं, जो शरीर को जीवन पर्यंत क्रियाशील रखते हैं। इस विश्लेषण के दौरान ना कहीं पृथ्वी तत्व मिला और ना ही जल, ना वायु, ना अग्नि और ना ही आकाश। हमें उक्त चीज़ों को तत्व कहने की पुरानी आदत उसी तरह छोड़नी होगी जैसे हमने धरती को अचला कहना छोड़ दिया और स्त्री को अबला। प्रकृति के पदार्थ वेदों, शास्त्रों या अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार अपना स्वभाव नहीं बदला करते। हमें ही पदार्थों के सही स्वभाव के अनुसार अपने को संशोधित करना होगा और तदनुसार बदलना होगा। इस सब के मद्देनजर हमें सत्य और तथ्य का अनुगमन करना चाहिए और प्रकृति के तत्वों के विपरीत जाने वाले लेखकों और उनके ग्रंथों को दूर से ही नमस्कार कर देना चाहिए, भले ही वो कितने ही बड़े क्यों न माने जाते हों। यद्यपि आज चार्वाक के 4 तत्व भी आदर्शवादियों के 5 तत्वों की तरह ही रद्द हो चुके हैं, तथापि उनकी स्थिति दूसरी है। उन्होंने इन 4 तत्वों को प्रकृति की प्रतिनिधि कहकर इनसे ही चेतन की उत्पत्ति मानी है।
प्रकृति एक तत्ववाद का उनका सिद्धांत आज विज्ञान सम्मत सिद्धांत है। भले ही उनकी बात तत्वों की तकनीकी रूप से सही ना हो, उनके लिए चार तत्वों को मानना ना अनिवार्य होगा और ना उन्हें मानने का उनके लिए कोई शास्त्रीय आदेश है, क्योंकि तत्व उनके लिए प्रकृति के प्रतिनिधि मात्र है। तो तब यदि चार थे तो अब 118 है।